नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में आज पतंजलि योग समिति और युवा भारत मध्य पंचकुला की ओर से 5 दिवसीय योग शिविर ट्रैफिक पार्क सेक्टर 12 पंचकुला में दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुआ। मीडिया प्रभारी मुकेश अग्रवाल ने बताया कि शिविर के प्रथम दिवस पर विनोद भारद्वाज, राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति चंडीगढ़, प्रेम आहूजा, प्रभारी पंचकुला मंडल, सत्यपाल सिंह जिला प्रभारी पतंजलि, उमेश मित्तल युवा प्रभारी, कक्षा के मुख्य योग शिक्षक परमाल सिंह और सहयोग शिक्षक तारा चंद के अतिरिक्त सुमन संधू, सरस्वती देवी, कुसुम देवी, सुनीता देवी के अतिरिक्त 40 से 50 महिला और पुरुषों ने योग शिविर का हर्षोल्लास के साथ आनंद उठाया। आज के शिविर में योग प्राणायाम प्रेम आहूजा ने और मुद्राओं के विषय में विनोद भारद्वाज ने विस्तृत रूप से चर्चा की। पतंजलि योग समिति युवा भारत पंचकुला की यह योजना है कि जिला के प्रत्येक सेक्टर गांव में जगह जगह योग शिविर लगाए जाएं, क्योंकि योग ही एक ऐसा साधन है जिससे अपने शरीर का शुद्धिकरण किया जा सकता है। पंचकुला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।